सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 14, डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंस इंडिया का 11th वीडियो। तो जैसा कि ऑलरेडी इसके जो है 10 वीडियो आ चुके हैं, और उस 10 वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है क्या किए थे, डिस्कस जो है कर लिए थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमरजेंसी। ठीक है, देखो इमरजेंसी जो है ये एक ऐसा एक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पावर है, या एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर गवर्नमेंट को लगता है अगर हमारे इंडिया में या तो इंटरनल चीजों के कारण या तो एक्सटर्नल चीजों के कारण अगर हमारे देश को खतरा है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इमरजेंसी इंपोज कर सकती है। अब इसका मतलब क्या है, बड़े सिंपल शब्दों में पहले इमरजेंसी का मतलब जो है समझते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं क्या, अभी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है सेंट्रल में, बीजेपी में। मान लो बीजेपी गवर्नमेंट को या किसी भी कांग्रेस के गवर्नमेंट को या किसी भी की गवर्नमेंट को लगता है सेंट्रल में सिर्फ स्टेट के पास इमरजेंसी पावर नहीं होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती है। तो मान लो नरेंद्र मोदी को ये लगता है या कहीं से उसको न्यूज़ मिलता है कि देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आने वाले दिनों में कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज कर सकते हैं, या बहुत बड़ा कोई खतरा जो है आने वाला है देश के अंदर के लोगों के कारण ही, एक तो ये सिचुएशन हो सकता है, या कोई दूसरा कंट्री हम पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, ये सिचुएशन हुआ। तो या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली, अगर दोनों चीजों में से किसी एक के कारण या दोनों के कारण भी अगर हमारे देश को कुछ खतरा है, तो क्या हो सकता है, ये जो इमरजेंसी का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या हो सकता है, इम्पोज हो सकता है। तो समझ में आए इमरजेंसी कब होता है, भाई क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे ही। इमरजेंसी कब लगता है समझ में आ गया, या तो देश को बाहर के लोगों से खतरा हो, या देश के अंदर के लोगों से ही क्या हो, अगर हमारे कंट्री को अगर खतरा हो तो उस केस में जो है क्या लगाया जाता है, इमरजेंसी इम्पोज की जाती है। इफ इट फील्स द इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री इज इन डेंजर फ्रॉम इंटरनल सिविल स्ट्राइक और अ फॉरेन अटैक। वही चीज यहां पर बोला जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे कंट्री को खतरा है किससे, अंदर के लोगों से या बाहर के लोगों के कारण, तो इमरजेंसी इंपोज की जाती है। एन इमरजेंसी एन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन विच द गवर्नमेंट कैन टेक एनी स्टेप इट सीज फिट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। और ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में इम्पोज हो जाने के बाद जो गवर्नमेंट होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकती है, कोई भी स्टेप ले सकती है। इवन किसी भी आदमी को उठा के बिना रीजन के जेल में भी डाल सकती है, किसी भी आदमी को मार पीट सकती है, कुछ भी कर सकती है। मतलब इमरजेंसी एक ऐसा सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में पूरा का पूरा जो पावर होता है, चाहे वो पुलिस का पावर हो, चाहे किसी भी चीज का पावर हो, आर्मी का पावर हो, पुलिस का पावर हो, कोर्ट का पावर हो, कोई भी चीज हो, वो सबके सब जो होते हैं वो किसके साथ चले जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में जो है चले जाता है। इट हैज द अथॉरिटी टू सस्पेंड सिविल राइट इन द लिमिट द पावर ऑफ द इलेक्टेड पार्लियामेंट। इसके अलावा जब इमरजेंसी अप्लाई हो जाता है तो आप लोगों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। आप लोगों को आपने पढ़ा भी होगा सोशल साइंस में कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू रिलीजियस एक्टिविटीज फॉलो करना, इस तरीके से हमें जो है क्या दिया गया है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। लेकिन जब इमरजेंसी इम्पोज होता है तो इमरजेंसी इम्पोज होने के कारण क्या होता है, ये जो हमारे सारे के सारे जो राइट्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट के पास जो पावर होती है, अब वो पावर इंडिविजुअली प्राइम मिनिस्टर के पास जो है चले जाता है। इट कैन इम्पोज ऑल्सो प्रोहिबिशन ऑन द मीडिया। इसके अलावा जो मीडिया है, मीडिया पर इमरजेंसी के टाइम पर जो है क्या होता है, मीडिया पर भी प्रोहिबिशन लग जाते हैं, मीडिया पर भी कंट्रोल लग जाता है। जो न्यूज सरकार चाहेगी लोगों तक सिर्फ मीडिया के थ्रू वही पहुंचेगा। मीडिया अपने मर्जी से कोई भी न्यूज जो है क्या कर सकती है, नहीं छाप सकती है या नहीं टेलीकास्ट कर सकती है, समझ में। तो एक तरीके से इमरजेंसी के अंडर में मीडिया, गवर्नमेंट, पुलिस, कोर्ट, जितनी भी चीजें होती हैं सबके सब किसके अंडर में आ जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो है आ जाती हैं। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन का एक भी एक्शन जो है क्या होता है, नहीं लिया जाता है। द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिक्लेयर एन इमरजेंसी दैट कंटिन्यूड फॉर 21 मंथ्स फ्रॉम 1975 टू 1977।
जब से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है टिल 2022, अभी तक जब आप वीडियो देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन आया है या एक ही बार ऐसा कंडीशन आया है जहां पर किसी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इमरजेंसी को इम्पोज किया है। वो टाइम था इंदिरा गांधी का टाइम। उस समय इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिटवीन 1975 टू 1977। 21 महीनों के लिए जो है ये इमरजेंसी जो है क्या हो गया था, हमारे इंडिया में जो है इम्पोज कर दिया गया था। इट वॉज द ओनली इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बिकॉज ऑफ इंटरनल सिविल स्ट्राइफ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। और ये इमरजेंसी को इम्पोज करने का रीजन क्या था, इस इमरजेंसी को इम्पोज करने का रीजन ये था कि उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को ये लगा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जो है देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मतलब देश के लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये उनका मानना था। ठीक है, बाद में इस पर बहुत सारी कमिटीज बनी, बहुत सारे जो है जांच पड़ताल हुए, तो बाद में लगा कि नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था कि इमरजेंसी इम्पोज करना पड़ा। तो ये एक पर्सनल, आप समझ सकते हो कि एक पर्सनल डिसीजन समझ सकते हो, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे जिससे आपको खुद को फील होगा कि हाँ यार सही में ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो गया था कि इमरजेंसी जैसा जो है सिचुएशन हमें इम्पोज करना पड़े। इमरजेंसी सिचुएशन एकदम एक्सट्रीम कंडीशन आने पर ही इम्पोज किया जाता है। तो उस समय मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट को यह लगा कि देश के अंदर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिसके कारण से जो है हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, करके जो है इमरजेंसी इंपोज किया गया। द फैक्टर्स लीडिंग टू दिस अनप्रेसिडेंटेड डिक्लेरेशन कैन बी ट्रेस्ड टू की डेवलपमेंट अकरिंग इन कंट्री सिंस 1971। अब ये इमरजेंसी अचानक से क्यों लगाया गया, उसके पीछे कुछ जो है बेसिक रीजंस थे। ये सारे रीजंस जो थे वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में थे। तो अब देखो, कोई भी गवर्नमेंट, अगर कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, चाहे नरेंद्र मोदी की हो, चाहे राहुल गांधी की हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, वो आसानी से गवर्नमेंट से जाना नहीं चाहती हैं। मतलब कुछ भी करके वो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं हमेशा। वो पहले से भी चली आ रही है और आज भी वही सिचुएशन है कि आसानी से कोई भी अपना गवर्नमेंट का जो है छोड़ता नहीं है। तो सेम उस समय ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रहे थे जो कि इंदिरा गांधी के क्या थे, अगेंस्ट में थे, उनके फेवर में कुछ चीजें नहीं जा रही थी। जैसे अमंग देम वर लॉन्ग टर्म चेंजेस सच अ ग्रोइंग करप्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द गवर्नमेंट। उस समय इंदिरा गांधी के टेन्योर में क्या हो रहा था, करप्शन जो है, करप्शन काफी ज्यादा क्या हो रहा था, बढ़ गया था। ठीक है, करप्शन मतलब आपको पता होगा कि अगर आपको कोई काम करवाना है जल्दी से, या कोई इलीगल काम करवाना है, तो उस इलीगल काम को करवाने के लिए जो इलीगल एक्टिविटीज की जाती है, पैसे का लेन देन या कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जब की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, करप्शन बोलते हैं। तो सिंस इंदिरा गांधी जो है उस समय काफी लंबे समय से जो है प्राइम मिनिस्टर बने हुई थी, और कोई भी गवर्नमेंट अगर लंबे समय तक बना रहता है तो वहां पर करप्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो एक तो था कि इनके जितने भी मिनिस्टर लोग थे या जितने भी कांग्रेस के मेंबर लोग थे, उन पर जो है करप्शन के क्या होने लगे, चार्जेस लगने लगे, पहला रीजन। दूसरा, समवेयर एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज द सडन सर्ज इन द पेट्रोलियम प्राइस फॉलोइंग द 1973 अरब इजरायली वॉर। दूसरा, आपको ये रीजन याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसे क्या क्या रीजन थे जिस रीजन के कारण इमरजेंसी इंपोज किया गया था। तो पहला रीजन क्या था कि करप्शन, ठीक है, करप्शन जो था वो काफी तेजी से क्या हो रहा था, ग्रो हो रहा था। दूसरा क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर समझ लिया हमने, अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या था। उस समय 1973 में इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में जो है क्या हो रहा था, वॉर चल रहा था। अब ये जो अरब कंट्रीज हैं, इस अरब कंट्रीज से ही तो हमें ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं। तो जब ये वॉर हो रहा था अरब और इसराइल के बीच में, तो अरब के लोग जो थे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कम कर दिए थे, तो जिसके कारण से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही थी, लेकिन सप्लाई उतनी ज्यादा हो नहीं रही थी, तो उसके कारण से उसकी प्राइस जो होती काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन था, लोगों का गुस्सा था कि भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम इतने महंगे होंगे तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो ये दूसरा सिचुएशन था। द गवर्नमेंट हैड मेड पॉपुलिस्ट प्रॉमिस ड्यूरिंग द 1971 लोकसभा एंड 1972 विधानसभा इलेक्शन, बट मेड नो सीरियस एफर्ट टू फुलफिल दिस प्रोमिसेस।
दो रीजन हमने पढ़ लिया, तीसरा रीजन भी इंटरनल रीजन है। तीसरा रीजन क्या था, 1971 में लोकसभा इलेक्शन हुआ और 1972 में विधानसभा इलेक्शन हुआ पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया के कुछ कंट्रीज में, कुछ सॉरी कंट्रीज बोलता हूं, कुछ स्टेट्स में। तो देखो आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि जब भी किसी भी स्टेट में इलेक्शन होने वाला होता है तो गवर्नमेंट जो भी होती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, वो हमेशा लोगों को लालच देती है कि अगर अब मेरी गवर्नमेंट बनी तो बिजली बिल पूरा माफ, मेरी बिजली बिल बनी तो आधा कर्जा माफ, मेरा बिजली बिल बना तो फ्री एजुकेशन, मेरा सरकार बना तो सबको वाईफाई मिलेगा, सबको मोबाइल फोन मिलेगा, सबको ये मिलेगा, सबका राशन कार्ड बनेगा। इस तरीके से जो है इलेक्शन को जीतने के लिए कई बार लोगों को जो है लालच दिया जाता है, ठीक है। तो सेम चीज उस समय 1971 और 1972 के इलेक्शन में कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी किया था कि लोगों को जो है क्या करने के लिए, अपने तरफ लाने के लिए, अपना वोट बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो है प्रॉमिस किए थे। अब ये क्या क्या प्रॉमिस था, जैसे कि सब अगर हमें हमारी गवर्नमेंट अगर बनेगी तो सबको 5 रुपए किलो चावल मिलेगा, इस तरीके से बहुत सारे जो है लोगों को जो है क्या किया गया, अट्रैक्ट करने के लिए जो है बहुत सारे जो है प्रॉमिस किए गए। लेकिन जैसे इलेक्शन हुआ और इलेक्शन इन लोग जीत गए, इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने इस पर काम करना छोड़ दिया। मतलब इन्होंने बस इलेक्शन जीतते समय मस्त मस्त वादे किए थे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, हम आपके काम को ऐसे करेंगे, आपके लिए इतना अच्छा होगा, ये होगा करके लोगों को जो है बेवकूफ बनाए। लेकिन जब इलेक्शन जीत गए उसके बाद इस प्रॉमिस पर काम करना इन्होंने ध्यान नहीं दिया। This led to mass dissatisfaction and the unrest among the people. अब इस बात से लोगों को गुस्सा होने लगा, लोग खुश नहीं थे। जब इलेक्शन था उस समय तो मस्त वादे किए गए थे कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन जीत गए आप तो इस पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसी कारण से लोगों का गुस्सा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा था। There was a sharp upsurge in workers strike and anti-corruption movement. और इसके अलावा जो वर्कर्स जो थे, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया और इसके अलावा बहुत सारे एंटी करप्शन मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गए। तो देख सकते हो 3-4 रीजन आपके सामने है। पहला रीजन वापस से रिवाइज करा देता हूं मैं। पहला रीजन क्या था, पहला रीजन ये था कि गवर्नमेंट जो थी काफी लंबे समय तक जो है प्राइम मिनिस्टरशिप बनी हुई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो इसके कारण से करप्शन। तो सबसे पहला रीजन अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू सर्ज इन करप्शन, करप्शन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या था कि 1973 में जो है अरब और इजराइल का वॉर हुआ, जिसके कारण से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उतने आसानी से इंडिया में नहीं पहुंचते थे, क्योंकि अरब जो था वो वॉर में बिजी था तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन कम कर दिया था, जिसके कारण से पेट्रोलियम चीजों की दामें जो है क्या हो गई थी, प्राइसेस जो है काफी ज्यादा बढ़ गई थी, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, 1971 और 1972 में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन को जीतने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे वादे किए, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने इसको फुलफिल करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। चौथा रीजन कि वहां पर बहुत सारे जो वर्कर्स जो थे फैक्ट्रीज में जो काम करते थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया और कई सारे एंटी करप्शन मूवमेंट स्टार्ट हो गए। मैटर रीच द हेड वेन द रेलवे वर्कर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑल इंडिया रेलवेज मेन फेडरेशन वेंट फॉर द लार्जर एवर स्ट्राइक द कंट्री हैज विटनेस्ड इन 1974। ज्यादा इंपैक्ट कब देखने को मिला हमें 1974 में, जब ऑल इंडिया रेलवे जो थे, रेलवे फेडरेशन जिसके अंदर में रेलवे में काम करने वाले सारे के सारे इंप्लॉयज जो है आते थे, 1974 में पूरे के पूरे रेलवे के जो इंप्लॉय थे वो हड़ताल पर आ गए, स्ट्राइक पर आ गए। अब पूरा रेलवे ही हिल जाएगा भाई। देखो उस समय ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा मीडियम क्या था, रेलवे ही था। तो अगर रेलवे के सारे इंप्लॉय ही अगर स्ट्राइक पर आ जाएंगे तो रेलवे को रन कौन करेगा। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कब देखने को मिला था, 1974 में। अभी तक जो भी हो रहा था वो छोटे-छोटे लेवल पर हो रहा था, लेकिन 1974 में जब रेलवे के लोगों ने जो है क्या किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्राइक करना चालू कर दिया अपने रीजंस के लिए, अपने डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए, तब जो है वहां पर बहुत बड़ा कांग्रेस को झटका लगा। All government used its armed security force to try to suppress that strike. और गवर्नमेंट ने क्या किया, इन रेलवे के इंप्लॉयज के स्ट्राइक को जो है क्या करने के लिए, सप्रेस करने के लिए जो है आर्मी वगैरह का जो है यूज किया।
एट द सेम टाइम स्टूडेंट इन बिहार एंड गुजरात लॉन्च्ड एन एजिटेशन डिमांडिंग राइट टू रिमूव अनपॉपुलर एमपीस एंड एमएलए। इसके अलावा रेलवे के एम्प्लॉइज तो स्ट्राइक पर थे, इसके अलावा बिहार और गुजरात के जो क्या थे, जो स्टूडेंट्स थे जो कि कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, ये क्या चाहते थे कि जो करप्ट लोग हैं, जो करप्ट एमपीस हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको हम लोग सांसद और विधायक बोलते हैं, तो जो करप्ट विधायक और जो करप्ट सांसद हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। ये लोग जो है, ये जो है देश में करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा मानना था बिहार और गुजरात के स्टूडेंट्स का। तो इन्होंने भी अपना स्ट्राइक जो है क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। अब देखो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में कितनी सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। It was in this situation that the Allahabad High Court unseated Indira Gandhi from the Lok Sabha, declaring her election from Rae Bareli constituency as null and void. The entire opposition began to nationwide agitation under the leadership of Jai Prakash Narayan. अब देखो इतना सारा चीज इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में चल रहा है, करप्शन का मुद्दा कांग्रेस पर हावी हो रहा है कि करप्शन आपके गवर्नमेंट के अंदर में इंक्रीज हो रहा है, लोगों से जो प्रॉमिस किया गया था वो प्रॉमिस नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रेलवे लोग जो है स्ट्राइक पे चले गए हैं, स्टूडेंट लोग जो है स्ट्राइक पर आ गए हैं। इस पांच रीजन तो ये थे ही, छठवां रीजन जो है वो क्या हो गया कि छठवां रीजन ये हुआ कि उस समय इंदिरा गांधी जो चुनाव लड़ती थी, हर सांसद जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से जो है क्या करता है, इलेक्शन लड़ता है। तो इंदिरा गांधी यूपी से थी और वो यूपी के बरेली, बरेली वाला ठुमका गाना सुने होंगे, तो बरेली जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वहां से बरेली से जो है इंदिरा गांधी क्या करती थी, इलेक्शन लड़ती थी। तो बाद में उनके अगेंस्ट में जो खड़े हुए थे, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में हिस्ट्री बताना चाहूंगा, यहां पर नहीं दिया है। 1971 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, हमने पढ़ा ऊपर में, तो जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी ने जो है चुनाव लड़ा कहां से, बरेली से। बरेली से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत गए, लेकिन इनके अगेंस्ट में जो आदमी खड़ा हुआ था उन्होंने क्या किया, चुनाव के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो जब वो आदमी हार गया जो कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहा था, वो पहुंच गया इलाहाबाद कोर्ट, और इलाहाबाद कोर्ट में उन्होंने जाकर ये पिटीशन डाला कि इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन जीता है वो गलत तरीकों से जीता है। अब गलत तरीकों से क्या जीता है, देखो जब कहीं भी इलेक्शन होने वाला होता है तो आप अपनी पर्सनल डिमांड को फुलफिल करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई का हेल्प नहीं ले सकते, तो उस समय इंदिरा गांधी पर जो है क्या हुआ, ये चार्ज लगा, ये मतलब आरोप लगा कि इंदिरा गांधी ने रायबरेली में जो है क्या किया था, या रायबरेली, असल में बरेली भी बोल सकते हो, रायबरेली का चुनाव जीतने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट इंप्लॉइज का, पुलिस वालों का, आईएएस ऑफिसर्स का हेल्प लिया है करके, जो कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अगेंस्ट है। अगर आप कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर हो, इलेक्शन के टाइम पे आप अपने पर्सनल काम के लिए किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो है यूज नहीं कर सकते, लेकिन इंदिरा गांधी पर उस समय एलिगेशन ये लगा कि इन्होंने चुनाव को जीतने के लिए यूपी रायबरेली के अंदर में जो भी जो है पुलिस ऑफिसर्स थे, जो भी आईएएस ऑफिसर्स थे, उनसे अपना पर्सनल काम जो है निकलवाया। ये जो है सबसे बड़ा मुद्दा बना, और इसके कारण से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, इंदिरा गांधी का जो सीट जो रायबरेली था, उस रायबरेली को नल एंड वॉइड कर दिया। मतलब उनको बोल दिया गया कि आपने चुनाव गलत तरीके से जीता है, आपकी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो प्रेसिडेंसी है वो क्या होती है, खत्म की जाती है, आप मेंबर नहीं रहोगे। इसके कारण से अब पूरे के पूरे जो अपोजिशन लोग थे वो तो हावी हो जाएंगे, उनको तो मौका चाहिए था। तो जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव वो रद्द कर दिया गया है, तो अब सारे के सारे लोग जो है डिमांड करने लगे कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो एक डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में काम कर रही है, अनडेमोक्रेटिक काम कर रही है। क्योंकि अनडेमोक्रेटिक का डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक ने आपको चुन कर भेजा है तभी आप डेमोक्रेसी में हो। लेकिन इन्होंने क्या बोला इलाहाबाद कोर्ट के डिसीजन के बाद, भाई आपका इलेक्शन ही खत्म हो गया, आपने गलत तरीके से चुनाव जीता है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और आपको यहां पर खाली कर देना चाहिए, आपको प्राइम मिनिस्टर का पद जो है छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से अपोजिशन जो लोग होते थे वो क्या करने लगे, इंदिरा गांधी को जो है कोसने लगे। और इनके सबसे बड़े लीडर थे उस समय जेपी नारायण करके, इनका पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण। जैसे 2011-12 में आप लोगों ने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा अन्ना हजारे का, या अभी आपने 2013-14 में भी सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप जरूर सर्च करिएगा अन्ना हजारे के बारे में।
तो जो अन्ना हजारे थे जितना पॉपुलर उस समय हुए थे उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर जो थे वो जेपी नारायण का मूवमेंट हुआ था 1974 में। ठीक है, जेपी नारायण उस समय स्टूडेंट यूनियन के एक तरीके से समझ सकते हो कि बहुत बड़े लीडर थे और वो इंदिरा गांधी के लिए रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनकर खड़े हुए थे। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो उनका पिक्चर, कि सोच सकते हो इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उस प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में ये 70 साल या इसकी एज काफी थी इनकी, ये आदमी जो है उनके उनसे लड़ने को तैयार है। यही है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की अच्छी बात कि कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई आराम से आदमी खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान जैसा नहीं कि कोई भी आदमी खड़ा हो जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस सीरीज ऑफ डेवलपमेंट लेड इंदिरा गांधी टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन कंट्री ऑन जून 25, 1975। और इन्हीं सब रीजन के कारण सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस जो थे वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में चले गए थे। तो इसी कारण से 25 जून को जो है क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने जो है क्या कर दिया, इमरजेंसी जो है इंपोज कर दिया पहली बार हिस्ट्री में इंडिया के। ओवरनाइट थाउजेंड्स ऑफ अपोजिशन लीडर वेयर इम्प्रेजेंट एंड द गवर्नमेंट इम्पोज प्रेस सेंसरशिप प्रोहिबिटिंग न्यूज पेपर फ्रॉम द पब्लिशिंग एनीथिंग अपोज द गवर्नमेंट। और रातों रात 25 जून की रात को जितनी भी अपोजिशन के जो लीडर्स थे जो कि स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में नारे लगा रहे थे, सबको जो है पकड़ कर सबको जो है क्या कर दिया गया, जेल के अंदर में डाल दिया गया। साथ ही साथ उस समय न्यूज़पेपर जो थी उस न्यूज़पेपर पर जो है क्या कर दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया। सेंसरशिप लगाने का मतलब यह होता है कि आप सरकार के परमिशन के बिना कोई भी न्यूज अपनी मर्जी से नहीं दिखा सकते हो। जैसे आजकल के जो न्यूज पेपर अपने मर्जी से कुछ भी दिखा देते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो, उनके पास प्रूफ हो ना हो मतलब नहीं, वो उनको मसाला चाहिए तो मसाला के लिए कोई भी न्यूज बता देते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी लगता है और मीडिया पर सेंसरशिप जब लगता है ना, तो सरकार के अगेंस्ट में आप सरकार के परमिशन के बिना कुछ भी न्यूज जो है नहीं चला सकते हो। द गवर्नमेंट यूज इट्स मेजोरिटी इन पार्लियामेंट टू पास सेवरल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एब्रोगेट द राइट ऑफ द पीपल टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन और अपोज द गवर्नमेंट्स लॉ एंड पॉलिटिक्स। साथ ही साथ जो है क्या हुआ, इंदिरा गांधी की उस समय जो है लोकसभा में जो है क्या थी, मेजोरिटी थी, तो अपने मेजोरिटी का पावर का मिसयूज करते हुए उस समय इंदिरा गांधी ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत सारे अमेंडमेंट किए। और वो अमेंडमेंट कौन सा था, 42nd। कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई चीज सुधारी जाती है तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट किया गया यहां पे इंदिरा गांधी के द्वारा, और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। जैसे क्या क्या चेंजेस किए गए, कि लोग जो है अब पार्टी नहीं बना सकते हैं, ना ही सरकार के अगेंस्ट में जो है क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। इस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए अपने फेवर में जो है उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो है क्या कर दिए गए लॉ जो है क्या कर दिया गया, 42nd लॉ जो है क्या कर दिया गया वहां पे जो है अमेंडमेंट में जो है चेंज कर दिया गया। ठीक है, द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द एलिगेशन वेयर कॉजिंग इनस्टेबिलिटी इन द ओनली वे टू सेव द नेशन बाय डिक्लेयरिंग एन इमरजेंसी। और उस समय के गवर्नमेंट का कहना था कि अभी हमारे देश में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसके कारण से हमें अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी जो है देखने को मिल सकती है, इसीलिए हमने इस इनस्टेबिलिटी को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है, और वो रास्ता क्या है, इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया। तो इंदिरा गांधी ने अपना क्या साइड रखा, कि देश में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, अगर इसको ध्यान से नहीं दिया गया तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे चीजें जो है बर्बाद हो जाएंगी, इसलिए इनको रोकने के लिए हम इमरजेंसी जो है क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं करके। ठीक है, लेकिन जब 21 महीनों तक ये इमरजेंसी लागू था, उसके बाद जो है क्या हुआ, 1977 में जो है इलेक्शन हुआ। जब 1977 में इलेक्शन हुआ तो लोगों का गुस्सा जो है अब दिखने लगा, और उस समय बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है हार गई, और जो भी अपोजिशन के जो पार्टीज थे वो सारे जीत गए, और सबने मिलकर बहुत सारे, उस समय कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी, उतनी बड़ी पार्टी कोई दूसरी नहीं थी, बहुत सारे छोटी छोटी पार्टियां थी लेकिन बड़ी पार्टी नहीं थी, तो बहुत सारे छोटी छोटी पार्टियां जीत गई, और वो सारे के सारे पार्टी आपस में जीत कर जो है क्या किया, एक जो है एक कोलिशन ग्रुप बनाया जिसका नाम था जनता दल। तो जनता दल ने फिर क्या किया, 1977 में इलेक्शन में जब कांग्रेस हार गई तो छोटे 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 जो है क्या थे पार्टीज के साथ मिलकर जो है जनता दल बनाया गया, और ये जनता दल ने उस समय जो है गवर्नमेंट बनाया, और उस समय जो है इंदिरा गांधी को जो है हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इमरजेंसी बहुत घटिया सिचुएशन आ गई थी, लोगों का लाइफ सर्वाइवल डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, इसी कारण से
इलेक्शन में 1977 के इलेक्शन में जो है क्या हुआ, कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो जनता दल जो फॉर्म हुई थी छोटे छोटे पार्टीज को मिलाकर, उनमें इंटरनल डिस्प्यूट होता है। मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है कि जब दो तीन चार पार्टीज आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाती है ना, तो सबके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आ जाते हैं। जैसे तीन चार लोग मिलकर कोई काम चालू करते हैं तो लोगों के बीच में डिस्प्यूट आने चालू हो जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से जनता दल जो है 1978 में अपना गवर्नमेंट बनाती है और 1980s के स्टार्टिंग में जो है ये गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी छोटी-छोटी पार्टियां आपस में बनी हुई थी उसमें इंटरनल डिस्प्यूट हो जाता है। लोग समझते हैं कि मेरी पार्टी बड़ी तो मेरे को ज्यादा पावर मिलना चाहिए, मेरे को ज्यादा पावर मिलना चाहिए, इस तरीके से लड़ने लगते हैं। और 1980s तक आते-आते क्या हो जाता है, ये जनता दल जो टूट के बिखर जाता है। फिर 1980s में फिर इलेक्शन होते हैं तो फिर से कांग्रेस पार्टी जो होती है 2-3 साल बाद जीतकर फिर से वापस जो है आ जाती है और फिर से इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर जो है बनती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इमरजेंसी में क्या क्या चीजें हुई थी, लोगों को किस तरीके से गुस्सा आया, किस तरीके से इलेक्शन हुआ, किस तरीके से जनता दल बना, जयप्रकाश नारायण जो है इतने फेमस क्यों हुए, ये सारे के सारे जो है हमने इस वीडियो में जो है देख लिया है। तो अगले वीडियो में बचे हुए पोर्शन को जो है हम लोग कवर करेंगे।